लास्ट डे को आप लोगों ने देखा था, मैं डोडे की उगास को टेम कर रही थी, तो वो तो अभी रैफ्ट पे है, तो उसे अभी टेम होने देते हैं। और आज हम बहुत सारे कुछ करने वाले, एक्सप्लोरर नोट को ढूंढेंगे, कैसे अपने खुद के एनिमल्स को अनक्लेम कर सकते हो आप लोग वो भी देखेंगे, और इसके साथ आज जो सबसे टफ काम करने वाले है वो है गैलीलेमस को टेम करेंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते आज का वीडियो, उससे पहले होला टियोस गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआर के सर्वाइवल इवोल्व्ड। तो इसको इधर पे टेम होने देते, उससे पहले हम आज सीख लेंगे कैसे हम अपने एनिमल्स को अनक्लेम कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इधर पे क्लिक करने के बाद अनक्लेम पे जो भी एनिमल्स आप लोगों को नहीं चाहिए उसके ऊपर पहले क्लिक करना, फिर अनक्लेम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके 15 मिनट बाद वो एनिमल आप लोगों का आप लोगों के लिस्ट से हट जाएगा। तो कोई बड़ी बात तो एकदम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों का जो एनिमल आप लोगों को नहीं चाहिए उसको आप लोगों के लिस्ट से बिल्कुल आसान तरीके से हटा सकते हैं। और एक बात बता देना चाहती हूँ मैं कि डोडेक्यूरस को टेम करने के लिए कुछ हद तक नैरकोटिक की जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक नैरकोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं रात भी हो चुकी थी, तो मैंने कुछ बहुत नैरकोटिक के घर पे इसको फीड करा देती हूँ, बहुत सारे बेरीज को दे देती हूँ, फिर सोचती हूँ जाके सो जाऊंगी, समझ रहे हो ना। सुबह होगी तो हद से ज्यादा फिर से बढ़ जाएगी और मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नैरकोटिक ज्यादा पोर्शन ऑफ माय अमाउंट में आप लोगों से खिला देना, तो रात को आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सुबह होती है और मैं इधर पे आती हूँ तो देखती हूँ 94% हो ही चुकी थी, तो और ज्यादा वक्त नहीं लगेगी और हो जाएगी, ये फाइनली टीम हो भी गई। और टेम होते ये देखो कैसे गोल बन चुकी है, ओ माय गॉड यार, इसे देखे मुझे जो हंसी आ रही है ना कि क्या ही बताए, ये मेरे से डर गई, ये लग रही है ऐसा। और इधर पे मुझे मिल चुकी एक सफारी हैट, तो इसको पाने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आप लोग इसको इक्विप कर सकते हो अपने मुंडा के ऊपर। तो चलो इधर पे तो हो चुकी है अभी, और अभी हम लोग जो जाने वाले हैं वो है एक्सप्लोरर नोट को ढूंढने। तो फटाफट से आ जाती हूँ मैं अपने जो जगह है उधर के अंदर, उसके बाद मैं आरजी को लेके इधर से निकल जाऊंगी एक्सप्लोरर नोट को ढूंढने। तो फटाफट से चलते, इधर से निकल पाऊंगी क्या वो तो पता नहीं, बट आ गई हूँ मैं ऊपर से ही फिर से एक बार, और ऊपर से मैं चेक कर लेती हूँ, दूर से मुझे दिख जाती है वो एक्सप्लोरर नोट की लोकेशन। तो फटाफट से इधर उतर जाते हैं, उतर जाने के बाद इस एक्सप्लोरर नोट को, ओके तो डेइडोन बोल के कुछ एनिमल्स का इधर पे मुझे एक्सप्लोरर नेट मिला, तो इसका लोकेशन में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस लोकेशन पे दिख जाएगा आप लोगों को, और थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ, ऊपर से ही देख लेना आप लोग जब आरजी को लेके आओगे, तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ये दिख जाएगा दूर से ही एकदम। तो अभी इधर पे तो हो चुका है, अभी चलते हैं घर की तरफ और रैफ्ट पे जाके देखते कि ये डोरेसियोरस भाई साहब ये तो हो गया बट ये निकल नहीं पाता है, तो इसको निकालने के लिए मुझे इस डोर फ्रेम को पहले तोड़ना पड़ेगा। आई विश कि अब ये निकल जाए बट नहीं निकल पाता है, तो स्टोन पिलर को भी भाई तोड़ना पड़ेगा। इधर इतने से मेहनत करके मैंने इस रैफ्ट को बनाया, अभी इसके लिए मुझे तोड़ फोड़ करना ही पड़ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, इसको पहले अपने जगह पे, भाई साहब मेरे को लगा गिर गया ये, तो चलो इसको मैं एक बार इसके सब दोस्तों के साथ इधर पे रख देती हूँ, फिर जाके मैं दूसरे काम के लिए निकल जाऊँगी। तो फाइनली अब भाई इधर आ, तो फाइनली ये तो आ चुका है, अभी इसका टॉर पर भी सही है बिल्कुल, और इसका मैं एनेबल वेंडरिंग को इसको ऑन कर देती हूँ और अटैक टारगेट पे रख देती हूँ, और इसको जैसे ही मैं इधर पे स्टॉप करूँगी ना, तो देखो तो फाइनली मुझे, ओह शिट यार कितने जल्दी इसने तोड़ दिया यार, ओ भाई सही यार, ये इधर पे पॉटी कर रहे हैं, सामने रेक्स भी, मतलब एकदम सेम टाइम पे दोनों पॉटी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो चलो इसका काम तो मुझे खतरनाक वाला अच्छा लगा इधर पे, क्योंकि इसको देखो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है, इतने बड़े पत्थर को जस्ट दो झापड़ मारा कि ये पत्थर एकदम टूट फूट के एकदम खत्म। तो चलो अच्छी बात है, और इधर पे देख मेरे पास अभी ये बचे कुछ ही सिर्फ एनिमल्स है, मैं बहुत सारे एनिमल्स को ना हटा दिया हूँ, अनक्लेम कर चुका हूँ, तो आप लोग भी चाहो तो बिल्कुल, ये देखो ये डिप्लोरोकस अभी भी जिंदा है, जो डिप्लोरोकस बहुत दिन पहले मेरे से खो गया था, याद होगा आप लोगों को, स्पाइनो ने अटैक किया था, उस टाइम सारे एनिमल्स मेरा मारा जाता है, और उस टाइम उस डिप्लोरोकस भी उस टाइम खो जाती है, उस कारणों के पीछे दौड़ लगाता है, और उस दिन वो डिप्लोरोकस मेरे से खो जाती है, बट सबसे अच्छी बात है कि वो अभी भी जिंदा है, ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि अभी भी जिंदा है ये वो। तो बाद में कभी उसको मैं टेलीपोर्ट करूँगी, अभी मैं एक्सप्लोरर नोट के लोकेशन को ढूंढने के लिए आ जाती हूँ, और जैसे ही मैं ऊपर से देखती हूँ ना, देखो आप लोगों को दिख रही है क्या लोकेशन, एक सेकेंड कहीं पर भी दिख रही है क्या,
आई डोंट थिंक कि नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, बट लोकेशन यही पे ब्लिंक हो रही है मुझे। सामने एक गुफा आई थिंक, वो नीचे जो पा मतलब कुछ दिख रही है, समझ रहे हो ना। तो उतर के देखते हैं, कुछ अलग तरीके की दिख रही है, देख रहे हो नीचे एकदम, देखा देखो तो आई विश कि इधर ही होगा। एक सेकंड नीचे उतर के देखते हैं, पता नहीं अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से वो दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो सामने आते ही चलो मिल गई है मुझे चैलिकोथेरियम का इधर पे एक्सप्लोरर नोट, तो सही बात है। तो चलो इसको तो फटाफट से मैं ले लेती हूँ, लोकेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ एग्जैक्ट मैप की लोकेशन का है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिल जाए इससे। और इधर पे मैं चारों तो घुमा के दिखा दे कि ये लोकेशन एग्जैक्टली कैसे दिखती है। तो इधर पे मैंने दिखा दिया और अभी चलते है, बहुत ठंडी की जगह है ये, बट इधर से हम आ जाते हैं फिर से एक बार अपने घरों की ओर। और आके देखो ये तो काम कर रहा था अपने मन से, और मैं तो बहुत खुश हो रही थी इसको देखे, देखते कितने, ओ भाई साहब 403 इसने, भाई साहब बहुत सही है। और अभी जो हम करने वाले हैं, जो मिंको है ना उसको हम इधर पे टेलीपोर्ट करने वाले हैं। तो चलो इसको रिक्वेस्ट पे मैंने डाल दिया, अभी आ जाएगा फटाफट से। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इधर पे हो जाएगी ना, बिल्कुल। ये देखो आ गया, ये आके खाना शुरू। हाँ ओ भाई आके इधर पे पॉटी भी करना शुरू, मतलब कुछ भी। तो चलो इसके पीठ में चढ़ने में मुझे जो मजा आता है वो किसी भी एनिमल्स में चढ़ने में मुझे इतना नहीं आता है जितना इसके ऊपर चढ़ने में लगता है। और इसका स्पीड देखो, और आप लोग अगर इसको लेके बारिश और फार्मिंग वगैरह करो ना, कितना सुपर फास्ट तरीके से ये फार्मिंग करता है, सिर्फ ये देखो। मतलब ये भाई साहब, मतलब इतना जहर लेवल का इसका, मतलब ओपी लेवल का मूव्स है ना कि क्या ही बताए। मुझे बहुत अच्छा लगती है इसको लेके ऐसे घूमने के लिए, मतलब अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती है। तो चलो बहुत मजा ले लिया इसका लेके। अभी इसका एनिमल वेंडरिंग को हम इधर पे ऑन कर देते और इसको अपने आप ही अपना काम करने देते, और ये अकेला अकेला बहुत सारा काम कर देगा मुझे जो लग रही है। और देखो ये तो काम करना स्टार्ट भी कर दिया, और आरजी के सामने क्या कर रहा था ये, तो ये मुझे देख कैसे रहा है भाई। तो चलो कोई नहीं, अभी इसको आते ही मैंने काम पे लगा दिया, शायद इसलिए गुस्सा है ऐसा लग रहा है। तो इधर पे देखो कितने सारे कुछ इसने इकट्ठे कर लिया, और फाइबर बहुत ज्यादा कलेक्ट करता है ये मैंने देखा। तो चलो अभी दूसरे एक्सप्लोरर नोट को ढूंढने के लिए हम आ जाते हैं, दूसरे मुझे दिख जाती है वो लोकेशन। तो इधर पे फटाफट आ जाते हैं और इधर पे नीचे उतर जाते हैं, और नीचे उतरने के बाद देखो कैसे एक्सप्लोरर नोट की लोकेशन है, आप लोग देख ही पा रहे हो, बिल्कुल एकदम झाड़िया वाड़िया का बीच बीच में इसका एकदम एक्सप्लोरर नोट। इधर पे एक टूटी फूटी एक बिल्डिंग के नीचे, इधर पे पिलर्स के नीचे खड़ा है। तो लोकेशन मैंने थोड़ा सा बहुत घुमा के दिखा दिया, देखो बिल्कुल ना बहुत मिडल ऑफ द एकदम जंगल है ये। तो थोड़ा सा दिक्कतें होगी इसको ढूंढने के, ऊपर से आज लेके आ जाना दिख जाएगा। तो इधर पे हेलेना डिस्कवर नोट मिल चुकी है मुझे, तो अभी हुई तो होगी, अभी फटाफट इधर से निकल जाते हैं। और अभी हम फिर से और एक बार दोबारा जा रहे हैं एक्सप्लोरर नोट को ही ढूंढने। तो इधर से फिर से मुझे दोबारा से ऊपर से ही दिख चुकी है एक्सप्लोरर नोट, तो ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं, यही आई थिंक यही है, टूटा फूटा यही जगह दिख रही थी सिर्फ। तो मैं इधर पे उतर जाती हूँ, और सामने जाती है मुझे और एक बार एक एक्सप्लोरर नोट मिल जाती है। खोल के देखते है कि ये किसका है, उससे पहले जगह को घुमा के दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एकदम गहराई एकदम जंगल के एकदम बीचों बीच है, जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ये डोडो का है, तो कोई नहीं, पहली बार मुझे मतलब एकदम पहले एकदम हमने शायद डोडो को टेम किया था, नहीं पैराशूट आई थिंक, याद भी नहीं। तो और एक एक्सप्लोरर नोट मुझे इधर पे मिल जाती है, उसको भी हम दिखा देते। ये मुझे बिना चाहते हुए मुझे इधर पे मिल चुकी है, और ये है पैचिका एक्सप्लोरर नोट, अच्छी बात है। मैं फिर से दिखा देती हूँ लोकेशन कहाँ पे, ये रहा ये लोकेशन, आप लोग इधर पे आ जाना और इस एक्सप्लोरर नोट को भी इधर से कलेक्ट कर लेना। लोकेशन को थोड़ा सा घुमा के दिखा देती हूँ, ये जगह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कितना डेंजरस एरिया है। तो इधर पे मैं आई थी गैलिलिमस को इधर पे ढूंढने, बट इधर पे मुझे फ्री से एक मिल जाती है एक्सप्लोरर नोट, तो अच्छी बात है। सामने चलते हैं, और इधर पे मैं आरजे को छोड़ के मुझे गैलिलिमस दिख जाती है, तो इसको मैं इधर पे बोला से जकल लेती हूँ। अभी फटाफट से ट्रैंकारो को निकालते हैं, और ट्रैंकारो इसके ऊपर मैं मारती हूँ, इसके माथे में मारने की कोशिश करती हूँ। तो आई विश कि ये जल्दी आई थिंक अनकॉन्शियस हो जाएगी, बट ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर देखो 80 हो चुकी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। तो देखो 44/272 ऐसा कुछ था, तो उसमें अच्छा 270 था, तो उसमें ही हो जाती है। तो फटाफट से मैं इसके इन्वेंटरी में ना 124 मेजर बोर्ड इसको दे देती हूँ। सबसे बड़ी बात है दिक्कत
साथ ये बात आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, इधर पे मैं कीबेल को नहीं बना के लाई हूँ, जो कि बहुत गलत किया मैंने, क्योंकि कीबेल से थोड़ा सा फास्ट होगा आप लोगों का, तो नेक्स्ट टाइम हम कीबेल से ही सारे को स्टेम करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो मैं बेरिस से ही दिखा देती हूँ, और जो दिक्कत की बात होगा, मैंने इससे पहले बहुत बार कोशिश किया था। तो देखो इधर पे 85 नैरको टिक्स को मैं लाई हूँ, देख लेना लास्ट तक इसको कितना लगेगा, मैं वो भी दिखा दूंगी। 11 लेवल की है और 85 नैरको टिक्स को मैं लाई हूँ, समझ रहे हो ना कितने सारे नैरको टिक्स को लाई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ ही 20-25 लाई थी, बट उस टाइम ना मतलब 20-25 भी नहीं 15-15 लाई थी, तो उसको मैंने दिया था, बट उससे कोई काम नहीं बनता है। ये जो गैलिलिमस है ना, ये अनकॉन्शियस ज्यादा देर तक नहीं रहता है, और इसको बहुत सारा नैरकोटिक की जरूरत हो, नहीं तो ये बिल्कुल एकदम तुरंत जाग जाएगा और आप लोगों से भाग जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये बात याद रखना कि नैरकोटिक को बहुत ज्यादा अमाउंट में आप लोगों को रखना होगा और कुछ नहीं। तो आज के लिए मैं इतना में ही रखती हूँ, और कल सुबह आप लोगों से फिर से मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।